तो डियर स्टूडेंट, आज हम अपना शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन कंप्यूटर का। और याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर का, ये इस बार 2021 के एग्जाम में भी आएगा। तो तैयार हो जाइए कंप्यूटर को पढ़ने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो कंप्यूटर की डेफिनेशन आती है, ठीक है। और कंप्यूटर तो आपने देखा ही होगा किस टाइप का होता है, ठीक है। ये कंप्यूटर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी टाइप का कंप्यूटर होता है। आजकल तो मॉडर्न ज़माना है, तो इसमें सब लैपटॉप का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर भी कंप्यूटर का अपना कुछ महत्व है। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को ग्रहण कर सकता है और इसे लंबे समय तक संरक्षित कर सकता है, ठीक है। संग्रहित करने का मतलब संरक्षित करने से ही है, लंबे समय तक धारण करने से है। सी का मतलब क्या होता है कंप्यूटर में? कॉमन। ओ का मतलब होता है ऑपरेटिंग। एम का मतलब होता है मशीन। परपोजली, यूज फॉर, टेक्नोलॉजिकली, टेक्नोलॉजिकल एंड रिसर्च, एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो पूरा मतलब है वो ये है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन परपोजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। ये हमने इसका जो एक एक वर्ड इसका आ रहा है, इसका मतलब हमने निकाल लिया है। और इसका हम जब अलग से समझाएंगे, ठीक है, जब हम इसे अलग से समझाएंगे तब भी हमें इसमें यही समझाना है। जब कभी हमें एग्जाम में लिखना है तो सी का मतलब भी समझाएंगे। सी फॉर कॉमन है, ओ फॉर ऑपरेटिंग है, एम फॉर मशीन है, पी फॉर प्रपोजली है, यू फॉर यूज्ड फॉर है, और टी फॉर टेक्नोलॉजिकली है, और एंड ई का मतलब एजुकेशन से, और आर का मतलब रिसर्च से है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें डेफिनेशन के बाद में ये देखते हैं कि कंप्यूटर में मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती है। तो सबसे पहले नंबर पर जो हमारे पास में आती है वो आती है कंप्यूटर की गति। कंप्यूटर की गति बहुत ही तेज होती है, जो कार्य करने में मनुष्य को घंटों लग जाते हैं, कंप्यूटर उस कार्य को चुटकी बजाते ही कर देता है। ये देखिएगा, इसे करने में बहुत ही कम समय लगता है। और इसमें हमने इसकी हेडिंग में भी ये लिखा है कि कंप्यूटर के कार्य करने की गति बहुत अधिक होती है, जो कार्य करने में मनुष्य को घंटों लग जाते हैं, वही कार्य कंप्यूटर द्वारा मिनटों में पूर्ण हो जाता है, ठीक है। ये हमारी पहली हेडिंग इसकी हो गई है, तेज गति से। और इसके बाद में हम बात करेंगे तो इसकी दूसरी हेडिंग की। दूसरी हेडिंग है हमारे पास में इसकी, जो दूसरी इसकी विशेषता है वो है उच्च संग्रहण क्षमता। कंप्यूटर बहुत अधिक डाटा को बहुत लंबे समय तक संग्रहित कर सकता है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे इसके अगली विशेषता की, तो इसकी अगली विशेषता होती है शुद्धता, एक्यूरेसी, ठीक है। कंप्यूटर की जो शुद्धता होती है वो कितनी होती है? 100% शुद्ध होती है। जो इसे निर्देश दिए जाते हैं ये उन निर्देश को ग्रहण कर लेता है और उन निर्देशों के अनुसार ही कार्य करता है, ठीक है। और इसकी जो शुद्धता होती है निर्देशों के अनुसार वो कितनी होती है? 100%। अगर निर्देश गलत देंगे तो फिर कार्य भी कैसा करेगा? ये गलत करेगा। फोर्थ हेडिंग देखते हैं इसकी, जो इसकी फोर्थ विशेषता है वो है इसकी स्वचालित, ऑटोमेटिक, ठीक है। ये एक स्वचालित मशीन है, इसे डाटा और निर्देश देने पर यह डाटा को प्रोसेस करता है और कार्य को पूर्ण करता है। ये सब कार्य ये अपने खुद करेगा, किसी की आवश्यकता इसे नहीं होगी। व्यापकता देखते हैं, कंप्यूटर की व्यापकता बहुत अधिक है, अर्थात इसका प्रयोग जो है अपनी विशेषता के कारण बहुत सारे क्षेत्रों में किया जाता है। अब समझिएगा इसमें हमने क्या लिखा है, कंप्यूटर बहुत सारे कार्य करने में सक्षम है, परंतु किसी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर को हमारी आवश्यकता होती है। हमारे निर्देश के बिना कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं करता, अतः दैनिक जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर को हमारी आवश्यकता होती है। अगली हेडिंग की बात करेंगे तो वह है हमारी इसकी अगली विशेषता, डिलीजेंसी, ठीक है, या डिलीजेंस। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो बिना थके बिना रुके कई घंटे लगातार कार्य कर सकता है और बिना त्रुटि किए, इसे अल्प आराम की ही आवश्यकता होती है। सातवें नंबर पर हम इसे देखते हैं विश्वसनीयता। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे जुड़ी सभी क्रियाएं कैसी होती हैं? विश्वसनीय, ठीक है। यहाँ हमें शक करने की कोई भी आवश्यकता इसमें नहीं होती है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की सीमाओं की। तो यहाँ जो हमारे पास में जो सबसे पहले इसकी सीमा है, जो इसकी कमी है, वो है बुद्धिमत्ता की कमी। कंप्यूटर को यह बोध नहीं होता है कि आपको निर्देश सही दिया गया है या फिर गलत। अगर यूजर उसे गलत निर्देश दे देता है तो वह कार्य भी कैसा करता है? गलत ही करता है। तो इसकी हेडिंग में हमने लिख दिया है, कंप्यूटर एक मशीन है जो केवल मनुष्य द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। किसी भी स्थिति में यह न तो निर्देशों से अधिक कार्य कर सकता है और न ही कम, जितने निर्देश दिए गए हैं उतना ही कार्य करेगा। सामान्य बोध की कमी, ठीक है।
सामान्य बुद्धि की कमी में देखिएगा, कंप्यूटर अगर कोई गलती नहीं करता है, कंप्यूटर कोई गलती नहीं करता है, परंतु अगर यूजर कोई गलती करता है तो कंप्यूटर उसे सुधार नहीं सकता है, इसे पता नहीं चलेगा कि इसने निर्देश गलत दिया है या फिर सही है। अगले देखते हैं विद्युत की आवश्यकता। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो केवल विद्युत पर ही कार्य करती है, अगर इसे विद्युत नहीं दी जाएगी तो यह मात्र एक धातु के डिब्बे के समान हो जाएगा। अपग्रेड और अपडेट, इसमें लगातार कमी आती रहती है, इन कमियों को पूरा करने के लिए इसे अपग्रेड और अपडेट करना पड़ता है, नहीं तो ये सही से कार्य नहीं करता है। बात करेंगे वायरस की, पांचवें नंबर पे जो है हमें इसमें कंप्यूटर की सीमाओं में वायरस से खतरा भी है। कंप्यूटर को लगातार वायरस का खतरा बना रहता है, अगर वायरस एक बार कंप्यूटर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो जो कंप्यूटर के अंदर फाइल सुरक्षित रहती हैं वे वायरस अगर उन्हें लग जाए तो फिर वे डिलीट करनी पड़ती हैं या वे नष्ट हो जाती हैं। बात करेंगे कंप्यूटर की प्रयोग की, तो कंप्यूटर का प्रयोग आजकल बहुत सारे क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे दफ्तरों में, गेम्स में, नेटवर्किंग में और आरक्षण में, ग्राफिक्स में, रोबोट चलाने में, आंकड़ों को रखने में और बैंकों में, इन सब में कंप्यूटर का आजकल प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे तो कंप्यूटर की संरचना के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर की निम्नलिखित संरचना होती है और इसके मुख्यतः तीन ही भाग होते हैं। नंबर एक होता है इनपुट इकाई, जैसे कि कीबोर्ड और माउस, जैसे हम कीबोर्ड और माउस के द्वारा इसे निर्देश देते हैं। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर होता है इसका CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तीसरे नंबर पर होती है इसकी आउटपुट इकाई, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से आउटपुट निर्देश लेते हैं और जो हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्कैनर है और कैमरा है, ये सब क्या है, आउटपुट इकाई है। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा क्या होता है, सबसे पहले इनपुट दिया जाता है और इनपुट किसे दिया जाता है, इनपुट दिया जाता है CPU को, और जो CPU से निर्देश किस में पहुँच जाता है, आउटपुट में। अब इनपुट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड और माउस। CPU में क्या होता है, CPU में होती है प्रक्रिया, जितनी भी क्रियाएं होती हैं वे सब किस में होती हैं, CPU में। अगर आउटपुट की बात करेंगे तो आउटपुट हमें किससे प्राप्त होता है, सीधा सीधा मॉनिटर से। कीबोर्ड कुछ इस टाइप का होता है, CPU कुछ इस टाइप का होता है, अगर आपने कंप्यूटर में देखा होगा, और मॉनिटर इसका कुछ इस टाइप का होता है, जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दिया है। फिर इसके बाद में बात करेंगे इनपुट इकाई की, इनपुट इकाई क्या होती है, इनपुट इकाइयाँ कीबोर्ड और माउस होती हैं, जिनके द्वारा कंप्यूटर को डाटा और निर्दिष्ट प्रविष्ट कराया जाता है। कंप्यूटर में जो डाटा दिया जाता है कंप्यूटर को, वो किसके द्वारा दिया जाता है, कीबोर्ड और माउस के द्वारा। बात करेंगे CPU की, तो CPU एक बॉक्स होता है जिसे सिस्टम यूनिट कहते हैं। कंप्यूटर की सभी क्रियाएँ CPU में ही संपन्न होती हैं, CPU में ही कंप्यूटर के अन्य भाग लगे होते हैं, जिस कारण इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। CPU कंप्यूटर की प्राइमरी यूनिट होती है या होता है, जो सारे निर्देशों को प्रोसेस करता है। यह लगातार ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन को चलाता रहता है। यह यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को रिसीव करता है और उसी के आधार पर दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी चलाता है। यह इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करके आउटपुट डिवाइसों को निर्देश भी देता है। बात करेंगे आउटपुट इकाई की, तो आउटपुट इकाई में मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, कैमरा, ये आदि आते हैं इसमें। अब जो आजकल जो मॉनिटरों को यूज़ किया जाता है, वे मॉनिटर LCD या LED के बने होते हैं, जो बहुत ही कम विद्युत धारा लेते हैं। ठीक है, और ये देखने में लगभग कैसे लगते हैं, इनकी जो स्क्रीन होती है, जो इनकी डिस्प्ले होती है, वो लगभग ऐसी दिखाई देती है हमें, जैसे कि डिस्प्ले TV की होती है। प्रिंटर कंप्यूटर के द्वारा दिए गए निर्देशों को कागज पर छाप देता है, और मॉनिटर या जो डिस्प्ले होती है, वो यूजर्स के द्वारा दिए गए निर्देशों को केवल सामने दिखाता है। ठीक है, और जो प्रिंटर हैं, वे भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कलर्ड और दूसरे होते हैं श्वेत श्याम। एक तो कलर्ड होते हैं अर्थात रंगीन होते हैं, दूसरे श्वेत श्याम होते हैं ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, ये केवल ब्लैक इंक ही छापते हैं, जिस कारण इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि लेजर प्रिंटर है। ठीक है, इसमें लेजर बीम के द्वारा छपाई होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी सी डॉट लगी होती हैं, जिनसे इंक की एक बूंद निकलती है। इंक जेट प्रिंटर है, ये फुहार के द्वारा छपाई करता है। ठीक है, इसमें क्या लगा हुआ होता है, एक नोजल लगा हुआ होता है, जिसमें से लगातार फुहार निकलती है। इसके बाद में बात करेंगे कंप्यूटर की क्रियाविधि की, तो कंप्यूटर की क्रियाविधि में सबसे पहले देख लेते हैं इसमें इनपुट का क्या कार्य है। कंप्यूटर को कीबोर्ड तथा माउस के द्वारा डाटा और निर्देश दिए जाते हैं, जो CPU में पहुँच
जाते हैं। फिर इसके बाद में संग्रहण का कार्य, संग्रहण का कार्य कौन करता है? सीपीयू करता है। सीपीयू क्या काम करता है? सबसे पहले निर्देश को लेगा, फिर उसका जो भी आउटपुट होगा उसके परिणाम को अपने अंदर सुरक्षित कर लेगा, फिर आवश्यकता के अनुसार आउटपुट निर्देश भेज देता है किसे, जो आउटपुट इकाई लगी हुई होती है। इसमें नंबर थर्ड पे हम बात करते हैं प्रोसेसिंग का कार्य। प्रोसेसिंग का कार्य करने के लिए कंप्यूटर में जो इसका सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें एक अलग से इकाई लगी होती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, सीयू। मगर यहाँ प्रोसेसिंग का कार्य लिखा हुआ है, प्रोसेसिंग समझाई नहीं गई है। इनपुट द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार सीपीयू प्रोसेसिंग करता है, और सीपीयू में होने वाली सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, प्रोसेसिंग। जैसे कि कीबोर्ड द्वारा टाइप वर्ड को बड़े आकार में परिवर्तित करना, जब हम एमएस वर्ड में कोई वर्ड लिख लें और उसे सेलेक्ट करके बड़ा करना चाहेंगे तो वो सब कार्य क्या है, प्रोसेसिंग है। चलिए बात करते हैं इसकी क्रियाविधि की। तो कंप्यूटर की क्रियाविधि को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है, तीन पॉइंट हमने इसके पढ़ लिए हैं, अभी हमारा फोर्थ पॉइंट है नियंत्रण के कार्य। तो सीपीयू में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं इन्हें नियंत्रित करने के लिए एक यूनिट लगी होती है, ये हमने पहले से पढ़ लिया है, जिसे सीयू कहते हैं, कंट्रोल यूनिट, जो सभी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। अगर सीयू सही से कार्य नहीं करेगी तो जो सीपीयू निर्देश लेता है इनपुट इकाइयों से वह नहीं ले पाएगा, और सीपीयू के द्वारा जो निर्देश आउटपुट इकाइयों को दिए जा रहे हैं उन्हें भी नहीं दे पाएगा। आउटपुट का कार्य देखिए, सीपीयू से प्राप्त परिणाम मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, और प्रिंटर सीपीयू से प्राप्त परिणामों को कागज पर छाप देता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी दूसरी वीडियो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इसकी दूसरी वीडियो बनाऊं, दूसरी वीडियो मैं इसकी आपके लिए बना सकता हूं बाइनरी संख्या की, और इस चैप्टर से वो लगातार आ भी रही है, इस साल भी आएगा 2021 में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।